और जो वो वाला एरिया है वहाँ पे भी लोग आते हैं, अभी पानी ज़्यादा है इस वजह से अभी उधर लोग नहीं आ रहे। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम जाने वाले हैं मोरबंद, जो कि रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे पड़ता है, और मौसम क्योंकि बहुत ही अच्छा है इसलिए प्लान वगैरह तो नहीं था, पर मौसम ही ऐसा बन गया कि अब जाना पड़ेगा। और अगर ब्लॉगर ऐसे मौसम में ना जाए तो फिर ब्लॉगिंग का मतलब ही क्या होता है, इसलिए आज हम प्लान किए हैं मोरबंद जाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मोटिवेशन हमको मिलेगा और हम और भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और नई नई जगह आपको दिखाते रहेंगे इसी प्रकार। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम पहुंच चुके हैं मोरभंज में और आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा कितना सुंदर है, और जो पीछे जो पहाड़ है उसे भिलका पहाड़ बोलते हैं और काफ़ी सुंदर जगह ये। भिलका पहाड़ में लोग ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी जाते हैं, और ये जो एरिया है ये भिलका डैम के नाम से भी जाना जाता है। लोग यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोशूट वगैरह भी कराने आते हैं। ये देखिए आज मौसम कितना सुहाना है, आप देख सकते हैं कोहरा टाइप का माहौल है, और शाम के 4:30 बज रहे हैं, और व्यू देख सकते हैं आप चारों तरफ का कितना सुंदर व्यू आ रहा है। यहाँ पे पानी वगैरह भी काफ़ी अभी भरा हुआ है, और जो वो वाला एरिया है वहाँ पे भी लोग आते हैं, अभी पानी ज़्यादा है इस वजह से अभी उधर लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं तो एक और रास्ता है वो उधर साइड जाता है और वहाँ से लोग फिर इस मैदान के तरफ आते हैं, और काफ़ी बड़ा मैदान है, अभी पानी ज़्यादा होने की वजह से नहीं दिख रहा है। और इधर से आप ये देख सकते हैं रास्ता इधर आता है। तो आप अंबिकापुर के पास अगर कोई पिकनिक एरिया खोज रहे हैं तो मोरबंद ज़रूर आएँ, क्योंकि काफ़ी सुंदर जगह है, यहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह भी मना सकते हैं, और भालू वगैरह भी बोलते हैं ऐसा कि शाम को आते हैं 5 बजे के बाद, ये जो पीछे का एरिया इस तरफ, तो आप समय का ध्यान ज़रूर रखें। और मोरबंद जो है ये सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के बाद का एरिया सूरजपुर ज़िले में आता है, इस वजह से मोरबंद भी है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो इसका सिंपल सा रूट है, आप रेलवे स्टेशन से सीधे आते जाओ और उसके बाद आपको 3-4 किलोमीटर के बाद लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा। अब वहाँ पे बोर्ड भी मिल जाएगा आपको, एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, या आप किसी लोकल पर्सन से भी पूछ सकते हो कि मोरबंद जाने का रास्ता क्या है। इसके अलावा ये दूसरे एंगल से मोरबंज आप देख सकते हैं, लोग मछली पकड़ने भी आए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी पानी वगैरह भरा हुआ है यहाँ पे अभी। ये देखिए इस एरिया को
लोग मछलियां पकड़ रहे हैं जा जा के, और कितना सुंदर व्यू बन रहा है आप खुद देख सकते हैं। और ये जो जगह है यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह भी लेते हैं, लेकिन आप उस जगह को देखिए, थोड़ी सी रिस्की है इसलिए संभल के आए यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपकी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो फिर मिलते हैं किसी नई जगह के साथ, किसी नए जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए अलविदा।